वन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गेस्ट्रो एंडस्टेनल सिस्टम की तो गेस्ट्रो एंडस्टैनल सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि ये न्यूट्रिशन का काम करता है बेसिकली इस गेस्ट्रो एंडस्टेनल सिस्टम में जो भी हम फूड लेते हैं वो फूड एक माइक्रो मै के फॉर्म में होता है जैसे प्रोटीन है फैट है कार्बोहाइड्रेट है तो वो एक लार्जर फॉर्म में होते हैं हायर मोलिकुलर वेट के फॉर्म में होते हैं बॉडी जो गेस्ट इन सिस्टम का काम है गेस्ट इनटेस्टाइल सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है इन द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं एब्जॉर्बल फॉर्म में होते हैं और फिर आपका मेनली चैजनम और एलियम पार्ट में ये स्पेशली एब्जॉर्बन होता है ठीक है तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जी आई टी जब आप फूड लेते हैं तो वो माउथ से पास होता है माउथ से पास होते हुए फैरिंग्स से जाता है दिस द पोर्शन इज फैरिंग्स और ये ईसोफैगस एक ट्यूब के फॉर्म में ईसोफैगस है सो माउथ माउथ के बाद ईसोफैगस ईसोफैगस के बाद ये एक बैग टाइप स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं स्टमक ओके स्टमक के बाद आपकी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट हैं जो कि ये यूश ये जो आपका यू शेप पार्ट है इसको बोलते हैं हम डोडिनम फिर जजनम आता है और फिर इलियम आता है तो स्मॉलम एंड इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मोइड मेंलोन और फिर आपका रेक्टम एंड एनस आते हैं ओके सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे जो डोडनम का बीच वाला पोर्शन होता है दिस यू शेप आपका है इसमें मिडिल पोर्शन में यहाँ पे दो और स्ट्रक्चर होती हैं पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर का सिक्रेशन मतलब बेसिकली द लीवर का सिक्रेशन जिसको हम बाइल बोलते हैं ये स्ट्रक्चर है लीवर इस लीवर के अंडर सरफेस पे जैसे ये लीवर है इसके अंडर सरफेस पे होता है गॉल ब्लैडर तो लीवर से बाइल बनता है और ये हिपैटिक डक्ट के थ्रू पास होता है ये स्ट्रक्चर है गोल ब्लैडर गोल्फ ब्लैडर की जो डक्ट है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट ब्लैडर की डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट तो बाइल कहां से प्रोड्यूस होता है लिवर से और गोल्फ ब्लैडर में ये कॉन्सेंट्रेट होता है वहां पर वाटर एब्जॉर्ब होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है फिर ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू इधर देखिए आप ये जो आपका डोड का मिडिल पार्ट है वहां पर ये ओपन होता है तो कॉमन बाइल डक्ट ओपन इन डपन मिडिल पोर्शन ऑफ द डोडिन ऐसे ही पैनक्रिया से भी सिक्रीशन होता है पैनक्रियाटिक 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 जूस जूस थ्रू द डक्ट वो भी ही सेम जगह पे ओपन होता है जहां पे ओपन होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर ओके सो एम्पुला ऑफ वेटर पे कॉमन बाइल डक्ट खुलती है जो कि बाइल को लेकर आती है बिलियरी सिक्रीशन फ्रॉम द हिपैटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डग भी खुलती है जो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को लेकर आती है पैनक्रिया से फाइन तो ये भी डाइजेशन में आपका दोनों के दोनों के सिक्रेशन भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं ओके okay? फिर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है फिर देन लार्ज इंटेस्टाइन है सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम ठीक है अब आप थोड़ा सा वन बाय वन जस्ट एक ओवरव्यू हम ले ले लेते हैं कि इस ओवरव्यू में डिफरेंट में काम क्या होता है तो हम माउथ में जैसे ही फूड आप इंजेस्ट करते हैं उस फूड में पॉलीसेक्राइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है प्रोटीन होता है एंड फैट होता है डिफरेंट एंजाइम्स के डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से ये तीनों चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं और अपने माइक्रोमोलिक्यूल्स में डाइजेस्ट होके कन्वर्ट हो जाती है देन एब्जॉर्बशन फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है साथ में यहाँ पर ब्लड ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है जीआईटी के साथ साथ यहाँ पर पूरे में ब्लड वेसल्स की सप्लाई है तो जो भी एब्जॉर्ब होगा वो ब्लड में पहुँच जाता है और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन वहाँ से मिलता है ओके okay? तो माउथ में दो चीज़ें होती हैं सेलाइवरी एम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड दिसपेज इज फॉर लिपिड डाइजेशन तो माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और लिपिड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता ओके माउथ में ही जो आपका सेलाइवा है उस सेलेवा में साथ में आई भी होता है दैट इज़ अ इम्यूनोग्लोबलिन इसलिए ये इम्यूनिटी का काम भी करता है और दूसरा जो सेलाइवा है वो मोशन होने की वजह से ये स्पीच में हेल्प करता है ये एक फूड का एक बॉल्स बनाने में भी हेल्प करता है ओके okay? और स्वेलोविंग में हेल्प करता है जो फूड है वो सैलो किया जा सकता है फाइन देन ये आता है फैरिंग्स में फैरिंग्स और ईसोफैगस इन दोनों का काम होता है सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करना यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं कर होता है सो माउथ दिस फैरिंगस एंड ईसोफेगस दे ट्रांस ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द अपर पार्ट फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, ओके अब फूड हमारा आता है स्टमक में स्टमक में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एच का सिक्रेशन स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी वजह से जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है एसिडिक पीएच इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट होता है उसके फंक्शन के लिए प्रॉपर फंक्शन के लिए एसिडिक पीएच चाहिए होती है तो एच का सिक्रीशन होता है जो कि एसिडिक पीएच करता है और यहाँ पे पैप्सिन का सिक्रीशन होता है पैप्सिन का सिक्रीशन होता है जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और पेप्सिन का सिक्रीशन एज अ पेप्सिनोजन होता है मतलब जीआईटी में एक्चुअली बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने प्रिकर्सर फॉर्म में होते हैं और फिर बाद में उनको किसी ना किसी स्टिमुलाई से एक्टिवेट करके उसके फाइनल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जैसे पैप्सिन है वो एज अ पैप्सिनोजन सिक्रीट होता है एंड देन इट कन्वर्ट्स टू द पैप्सिन इट इज फॉर प्रोटीन डाइजेशन तो यहाँ पर ये पैप्सिन इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ओके फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर तीनों चीज़ों का, का ये डाइजेशन होता है लिपिड का भी होता है फैट का भी होता है और प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है ओके और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे साथ में आपके दो चीज़ें और आ रही हैं बाइल सिक्रेशन आ रहा है और साथ में पैनक्रियाटिक सिक्रेशन आ रहा है सो बाइल एंड पैनक्रियाटिक सिक्रेशन बाइल आपके फैट डाइजेशन में हेल्प करता है पैनक्रायाटिक सिक्रेशन में पैनक्राटिक अमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए इम्पॉर्टेंट है फिर पैनक्रियाज से जो है आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं वो भी हम अलग इनको पढ़ेंगे कि क्या क्या अलग अलग क्या सिक्रेशन होते हैं तो उसमें फैट प्रोटीन और लिपिड तीनों का ही डाइजेशन यहाँ पर होता है और दिस डेडोनाम जेजुनम और इलियम पार्ट ये इम्पॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए तो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन जो प्रोटीन फैट और इनका प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेस्टिव फॉर्म है डाइजेशन होने के बाद जो भी चीज़ें बचती हैं जो आपका जैसे मोनोसेक्राइड्स हैं अमीनो एसिड्स हैं अमीनो एसिड्स प्रोटीन के डाइजेस्ट से बनते हैं तो उनका जो एब्जॉर््पन है वो मेनली जेजोनम और इलियम पार्ट में होता है ठीक है जो स्मॉल दिस लार्ज इंटेस्टाइन है ये बेसिकली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए मेनली इंपॉर्टेंट होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है Fine. जो रेक्टम पोर्शन है ये स्टोर रखता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल को और फिर ये रिक्वायरमेंट होने पर यहां पे जब डिफिकेशन हो जाता है इसका यानी कि बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड मटेरियल निकल जाता है ओके okay, तो ये है इसका एक ओवरव्यू इसलिए हमको एक तो अलग अलग जगह से क्या क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं ये हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है फिर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जीआईटी के तो जीआईटी हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हार्मोन्स इन एंजाइम्स के सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं तो ये जानना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फिर एक होता है जी में मोर्टिलिटी होती है जैसे पैरिस्टाइल्सिस क्योंकि जी में कौन जैसे अब कोई बोलस आया और वो आगे बढ़ता रहता है जिससे कि डाइजेस्टिव जो मटेरियल है वो आगे बढ़ता रहे इन्हें हम कहते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट्स ओके और कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जो वहीं पर चर्निंग होती है मिक्सिंग मूवमेंट्स बस वहीं पर फूड को चर्न किया जाता है मिक्स किया जाता है तो वो मिक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं तो मूवमेंट्स भी हमारे लिए जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन भी आता है दैट वॉट आर द जी आई मोटिलिटी स्पेशली इसमें पैरस्टाइलसिस बाकी आपका मिक्सिंग मूवमेंट्स एम एम सी एक होता है माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स एम एम सी इज़ अ माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स जो कि जब आपने खाना खा रखा है उसके बाद जो फास्टिंग स्टेज है या एक ऐसा कि खाना खाने के बाद जो टाइम बीच में गैप बचता है उसमें हम एक अलग टाइप की मूवमेंट होती है दैट इज एम एम सी माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्सेस जो कि जी आई टी को नेक्स्ट फूड के लिए प्रिपेयर करते हैं ओके okay? तो so, हार्मोन्स हो गए ये हो गए फिर इसमें अलग अलग जगह पे क्या क्या होता है स्टमक में मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन में क्या होता है ये एच का सिक्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एच सल सिक्रीशन भी क्वेश्चन आते हैं कि एच सी को कौन कंट्रोल करता है ओके okay? देन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है वी शुड नो अबाउट लिवर गोल ब्लैडर और पैनक्रियाज इनके सिक्रीशन्स क्या होते हैं लीवर से क्या निकलता है गोल ब्लैडर से क्या निकलता है और पैनक्रियाज से क्या निकलता है बिकॉज दे आर एसेसरी ग्लैंड तो इन इनसे भी सीक्रेशंस आके जी आई टी में मिलता है और जो इसके डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है फाइन सो so, ये सारी चीज़ें हमें जी आई टी में पढ़नी है दिस वॉज एन ओवरव्यू अबाउट द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गेस्ट सिस्टम थैंक यू